नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड संबंधी विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया। चुनावी बॉन्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। बोले राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के चंदे के कंधे की पोल खुलने वाली है। राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राहुल कांसवा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा टिकट कटने से नाराज राहुल कांग्रेस में हुए शामिल। इस सीट पर भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने 2024 में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कहा, द्वारका एक्सप्रेसवे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माओवादियों से संबंध के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा और अन्य को बरी करने के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली महाराष्ट्र सरकार की अर्जी खारिज कर दी। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में दी थी चुनौती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में कहा, पंजाब को समृद्ध और रंगला पंजाब बनाने के लिए सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत की जरूरत है। केंद्र सरकार पर पंजाब की 8,000 करोड़ रुपए की निधि रोकने का आरोप भी लगाया। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में आप MLA ने मांगी थी जमानत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी पर कहा, भाजपा को संविधान स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन अपनी पार्टी के लोग से कहलवाते हैं कि उन्हें इनमें संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने संदेश खाली में ED के दल पर हमले से संबंधित जांच CBI को स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की। शीर्ष अदालत ने इस मामले में CBI को जांच स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव विस्फोट मामले में NIA अदालत ने जारी किया जमानती वारंट। 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने सोमवार को जबलपुर से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार कर दिया। कहा, वह मध्य प्रदेश में अपने राजनीतिक गढ़ छिंदवाड़ा को नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में उनके बेटे नकुलनाथ कर रहे हैं। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, MIRV तकनीक से बनी है मिसाइल अग्नि 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO के वैज्ञानिकों को दी बधाई। धार बोधशाला का ज्ञानवापी की तर्ज पर होगा सर्वे, जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का फैसला। ASI की 5 एक्सपर्ट्स की टीम करेगी सर्वे, 6 सप्ताह में हाईकोर्ट के सामने पेश होंगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला है जारी। सागर से खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे और पन्ना के पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी भाजपा में शामिल। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की वापसी टली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मरदा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बस हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, करीब 11 लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने की 34 वर्षीय युवक की हत्या। पुलिस का मुखबिर होने के संदेह में पहले नक्सलियों ने युवक का अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर दी। ओडिशा पुलिस ने मयूरभंज जिले के सिमलीपाल बाग अभ्यारण्य के अंदर 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अफीम के पौधे को नष्ट कर दिया है। पुलिस अधीक्षक SU श्री ने कहा, पुलिस दल ने रविवार को संरक्षित क्षेत्र के अंदर 15.64 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली अफीम की खेती को नष्ट किया। शेयर बाजार में 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट, सेंसेक्स 617 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 73,503 अंक पर हुआ बंद। NSE निफ्टी भी 161 अंक के फिसल कर 22,333 अंक पर हुआ बंद। ऑस्कर अवार्ड 2024 के विनर्स की हुई घोषणा, ओपनहाइमर बनी बेस्ट फिल्म। क्रिस्टोफर नोलन को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। किलियान मर्फी बेस्ट एक्टर और एमा स्टोन बनी बेस्ट एक्ट्रेस। अजय देवगन की फिल्म शैतान का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू। फिल्म ने पहले वीकेंड पर किया 50 करोड़ का बेंचमार्क। 3 दिन में फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन हुआ 55.13 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने किया है 80.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। नरसिंह, ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।